एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के तालाबों को संरक्षित करने के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा अभिनव पहल शुरू की गई है। रविवार को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नगर पालिका के अधिकारी मेघ तिवारी के साथ शहर सहित आसपास के तालाबों का निरीक्षण किया, साथ ही उनके संरक्षण की बात कही। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि तालाबों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और गर्मी के मौसम में तालाबों को संरक्षित करने के लिए मुहिम शुरू की जा रही है, जो संभवतः सोमवार से शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने तमाम तालाबों का निरीक्षण किया, वहां की समस्याएं जानी और वहां किस तरह से कार्य हो सकता है इसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। एशियन न्यूज के लिए अभिषेक जैन की रिपोर्ट। 100 फुट अंदर तक तालाब की जगह, ये वैसी स्थिति थी साहब, टूटा मतलब गड्ढा था, पानी बकायदा भरता था। जैसे ये एक दो बिल्डर ने ये सब जमीन खरीदी, जब नाली मॉन्यूमेंट था, ये बड़ा होता है, उसको नीचे रखा, बिल्कुल नीचे रख लिया था। वो ऐसा वो तो उधर जो कबिल की जमीन है उधर गए, तो बात की थी बोलिए पर बात नहीं आ रही। उनको मैंने लेटर में बोला अच्छा होता है तो ये वाला पानी इधर चला जाएगा, हाँ खेत में जाता है, खेत में चला तो अपना यहाँ पे है ना लिमिट वाले पूरा उसमें डाल दे हैं। गाड़ी गाड़ी को बंद कर दो है, तब मोड़ दो, जब कलेज के तब मोड़ दो, अगर पहले कोई चल तो सही कर वो गार्ड से पकवा नहीं जाता, ये भी गार्ड के सब फूल माला है मगर आदमी ठीक है कोई बात नहीं। आप मुझे कल को दिखाइए जो 1.5 करोड़ वाला सेंशन हुआ, उसके लिए मैं सबसे पहले बात करूँ, कम से कम वो आ जाए तो ये काम तो शुरू होगा, पर उसके लिए फिर अभी एजेंसी फिक्स वगैरह कुछ नहीं। सर यहाँ क्योंकि सोर्स है नहीं कोई, तो जो एक अमृत से पहले पार्क बना था उसमें वाटर का पार्क काफ़ी मात्रा में है, तो उसका एक डायरेक्ट लाइन यहाँ दिया है, क्योंकि यहाँ सोर्स ऑफ वाटर कुछ नहीं है, जो सोर्स का यहाँ पे एग्जिस्टिंग ड्रेन थी तो सर ये डाइवर्ट करा दिए, उसको डाइवर्ट करा के ये ले जा रहे हैं ताकि ये पानी मिल जाएगा, लेकिन वही एक मात्र सोर्स और उसी से वाल्व लगे हुए थे, ये फाउंटेन बना हुआ है। पहले क्या था, पहले ये इतना सारा जो ये निर्माल्य है पहले ये जलता था और इसमें पानी रहता था, और फिर ये जो डाइवर्शन हुए कुछ एक दो उससे इसमें इंफ्लो कम हुआ, इंफ्लो कम हुआ, और दूसरा जो सलूशन क्या है जिसे जो निकलवाना है उनके लिए मशीन आती है। रिस्क ये है सर कि ये लाइफ लाइन है समूह की, और यदि वो मैग्नीफाइड हो गया तो ये पूरा पानी आता है। ये सब क्या बनाए, ये सर वो जो आप बता रहे सर वोटर के लिए वो उसी के लिए बनाया था, ये टॉयलेट है कुछ, ये वो है
सेकंड काल में जो आया वो विजिबल नहीं है और ये थर्ड काल में खेलना है, तो ये 20 तारीख को खेलना था आजकल ये सब खेल मंडे या दूसरे को खोल रहे हैं कैमिकल बिट खोल रहे हैं पहले तो बैट नहीं खोल रहे हैं उसको रीइंफोर्स करना है पुराने जब ये राजनगर से सप्लाई चालू होती है उस समय जुझार का पानी यहाँ निकलने लगता है और इसमें सर उनको प्रॉब्लम होता है। ये इंटेग्रल डिज़ाइन था 4.5 टन की मोटरों के लिए और इसमें लग गई 12.5 टन और इंक्लूडिंग डायनेमिक लोडिंग 16 टन। तो इस पर सुबह ग्रुप में जल्दी बनी तो इनको बुलवाए तो तरक्की तो अब अपन यहाँ पर करा सकते हैं। इसको कौन सी जगह बोले हैं? इसको RF 106। अभी मैं चल के आपको वो स्पॉट और दिखा दूँगा। हालांकि मैं वो मैं अभी लोग उपयोगी सेवाओं की जब बात आई थी तो उस समय जो रेंज ऑफिसर थे और वो मनरेगा में एक मैडम है शुक्ला है क्या नाम है उनको भी मैंने ये दिखाया। पर इसकी तैयारी तो फिर जून में होगा अपना प्लांटेशन जून जुलाई और यहाँ वेजिटेशन। तो अगर अपन जैसे टू रिड्यूस द एवेपोरेशन लॉसेस मेक लू बैरियर्स बाय प्लांटेशन अगर अपन इस पर बात करें तो ये हमारा डायरेक्शन जो है ये सेफ है। फिर उसके बाद ये वाले हिस्से पर आ जाएँ तो ये एक पुराना किला कहलाता है जिसकी अब तो मतलब धीरे धीरे वो वहाँ ये इधर ऊपर से देखे उसमें ग्रेविटी से मेंटेन होता था। एक अंदर जो तालाब का लेवल था वही लगभग 100 मीटर दूर एक कुएं में था वही लेवल और नीचे से पाइपलाइन से जुड़े थे उसमें मोटर लगे थे तो पानी प्रॉपर दमो पंप नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर उसी में पाइप बनाया तो नए पंप लगा। इसमें और किसी काम से मुझसे अक्सर आती है इसमें पानी में हाइड्रोला बढ़ जाता है तो उसके कारण से जेंटल येलोनेस पानी में आती है सर और वो जो है हार्मफुल नहीं होती लेकिन वो दिखने में हार्मफुल जी सर। उसको दूर करने के लिए क्या करना है? उसके लिए सर फिशरीज वालों से बात हुई थी 2 ईयर्स बैक तो उनने कुछ करेस्पॉन्डेंस वगैरह किया था सुनी किया। हम लोग क्या करते हैं जब वो प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हंटिंग प्लेस वगैरह रहा हो इंग्लिश पीपल का तो यहाँ पूरे में सर प्लांटेशन हो चुका है इस सेक्शन में भी तो इधर से लू बैरियर बन गया है इधर से ये बन गया है। अब ये टुकड़ा अपना एक रह गया है ये दिस वन ये फॉरेस्ट है RF 106 रिजर्व फॉरेस्ट 106 और ये वाला फॉरेस्ट नहीं था कुछ था इसमें तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से और वो मनरेगा से प्लांटेशन वगैरह कराया था और लास्ट ईयर लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत भी चर्चा हुई थी इस वाले एरिया तालाबों के निरीक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि एक तो मैं पूरी यहाँ की जानकारी प्राप्त करूँ इसकी भौगोलिक स्थिति और सारी चीज़ों के बारे में पता करूँ और साथ में इसके संरक्षण को लेकर के हम अभी गर्मियों के समय में क्या कर सकते हैं ताकि बारिश में उसका पूरा लाभ शहर की जनता को प्राप्त हो और इनको कैसे और सुरक्षित और संरक्षित बनाया जा सके क्योंकि ये सारे तालाब इस शहर की धरोहर हैं निवासियों की धरोहर हैं और ये बने रहें ये खुर्द बुर्द ना हो संरक्षित रहें ये हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हमने सभी जगहों का भ्रमण किया और यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ और समस्याएँ चिन्हित की। यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी चर्चा हुई उन्होंने भी कई पॉइंट्स मुझे बताए। अब हम एक एक करके इन पर काम करना शुरू करेंगे कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा और इसमें मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जन भागीदारी की भी जहाँ पर बात आएगी हम लोग जनता से सहयोग मांगेंगे और इसमें जनता के भी यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हम निरंतर लेंगे ताकि इनको हम सुरक्षित और संरक्षित करने का काम समय सीमा में कर सकें।